था, इससे मेरी पार्टी, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोगों की सहमति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो सरकार सम्मान करेगी। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। SC ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है, उन्होंने कोटा विद इन कोटा की बात की। हमारे साथ है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। धीरेन्द्र जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी मिली है, क्या कहेंगे पहले तो? देखिए, इसको कोटे को और SC ST के आरक्षण को आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आर्थिक आधार और शैक्षणिक आधार सिर्फ नहीं है, दलितों के साथ आज भी अनटचेबिलिटी है, आज भी छुआछूत जैसी महामारी और ये घृणित कार्य आज भी हो रहा है। तो ऐसे समय में सिर्फ इनको आर्थिक पहलुओं को देख करके और कोटा विद इन कोटा, इससे मेरी पार्टी, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोगों की सहमति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो सरकार सम्मान करेगी। लेकिन हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि इसमें कोटा विद इन कोटा नहीं होना चाहिए। हमारे नेता ने तो आरक्षण की वकालत बढ़ाने की है, जिस पर आज भी हम कायम हैं जी। तो क्या आपको लगता है कि इससे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उससे नुकसान होगा उनके आरक्षण को लेकर? मैंने कहा ना कि नुकसान की बात है, इसको सिर्फ आज भी आप देख लीजिए ना कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं, आज भी मंदिरों को उनके आने के बाद, पूजा करने के बाद धोया जा रहा है कि नहीं, आज भी जब इस तरह की कुरीतियां समाज में व्याप्त है, ऐसे समय में सिर्फ उसकी आर्थिक पहलुओं को देख करके और कोटा के अंदर में कोटा डालना, मुझे लगता है कि ये न्यायसंगत नहीं है। मेरी पार्टी और मेरे नेता इसके बिल्कुल सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2004 का ही अपना ही फैसला पलटा गया, क्या आप लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए इस फैसले को लेकर? जी, हमारी असहमति है निश्चित तौर पर इस पर। जब खुद एक बार उन्होंने अपने फैसले को पलटा है तो निश्चित तौर पर जन आकांक्षाओं को देखते हुए और देश के दलितों को, ST ST को, आदिवासियों को देख करके, मुझे लगता है कि दोबारा इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आज भी जब इस तरह की कुरीतियां समाज में व्याप्त है, ऐसे समय में सिर्फ उसकी आर्थिक पहलुओं को देख करके और कोटा के अंदर में कोटा डालना, मुझे लगता है कि ये न्यायसंगत नहीं है। मेरी पार्टी और मेरे नेता इसके बिल्कुल सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2004 का ही अपना ही फैसला पलटा गया, क्या आप लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए इस फैसले को लेकर? जी, हमारी असहमति है निश्चित तौर पर इस पर। जब खुद एक बार उन्होंने अपने फैसले को पलटा है तो निश्चित तौर पर जन आकांक्षाओं को देखते हुए और देश के दलितों को, ST ST को, आदिवासियों को देख करके, मुझे लगता है कि दोबारा इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना, दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।